मैं संजय कुमार, सरदार सिंह कार्मेट इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद सीतापुर, आज आपको सामाजिक विषय के अंतर्गत कक्षा 7 में इतिहास का अध्ययन कराऊंगा। और इसमें पहला हमारा जो लेसन है वो है इतिहास एक परिचय, अर्थात भारत के बारे में हमको यहाँ पर आज जानकारी देनी है कि भारत का अतीत क्या रहा है, किन किन नामों से उसको जाना गया अब तक, कौन कौन से लोग यहाँ पर आए और उन्होंने उनको कौन कौन से नाम दिए। तो इन चीजों के बारे में इस लेसन में हमको अध्ययन करना है, तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप, तो भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में इसमें हमको जानना है सबसे पहले कि भारतीय उपमहाद्वीप जो है तो इसका जो विस्तार पाया जाता है, तो अगर देखा जाए तो उत्तर में एक रेखा के रूप में जो है या एक बॉर्डर के रूप में हिमालय पर्वत पाया जाता है। दक्षिण में अगर देखा जाए तो इसके दक्षिण और पूर्व में बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण और पश्चिम में अरब सागर पाया जाता है जो इसको प्रायद्वीप की संज्ञा प्रदान करता है, क्योंकि भारत हमारा जो है वो दक्षिण में तीन ओर जल से घिरा हुआ है। और बिल्कुल दक्षिण में अगर हम जाते हैं इसके तो हमारा महासागर पड़ता है जिसका नाम है हिंद महासागर। तो इसी कारण जो है इसको प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है दक्षिणी भाग को। तो अब यहां हम देखते हैं कि भाई इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा किसने दी और इसको क्यों कहा जाता है। तो अब उपमहाद्वीप के अंतर्गत जो देश आते हैं इसमें, तो वो कौन कौन से देश आते हैं इसमें, एक तो हमारा भारत हो ही जाता है इसमें, दूसरा इसमें आपका आता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। ये जो देश है ये सब मिल करके इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा प्रदान करते हैं। एक भारत इसमें लिखा नहीं है, मैंने भी उसको बता ही दिया है कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, ये जो देश हैं तो ये इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा प्रदान करते हैं, अर्थात इसी कारण अंग्रेजों ने इसको उपमहाद्वीप कहा था, क्योंकि ये कई देश जो हैं कि इसी के साथ सीमा से जुड़े हुए हैं, तो इस कारण इसको उपमहाद्वीप उन्होंने कहा था। इसके बाद जो है कि अंग्रेजों ने इसको आखिर क्यों कहा था, तो अंग्रेजों ने इसको इसलिए उपमहाद्वीप कहा था क्योंकि ये जो सारे देश हैं तो इनकी जो भौगोलिक स्थिति है तो वो भौगोलिक स्थिति जो है वो लगभग एक जैसी है, तो इसी कारण जो है भौतिकों सांस्कृतिक विविधता जो है इसकी देखते हुए अंग्रेजों ने इसको उपमहाद्वीप का नाम दिया था। तो ये तो हो गया उपमहाद्वीप का नामकरण किसने किया, अंग्रेजों ने किया, और कौन कौन से देश इसके अंतर्गत आते हैं ये हमारा हो गया। इसके बाद जो है अब आगे हम बढ़ते हैं इसके नामकरण पर। तो भारत के अगर नामकरण पर हम जाते हैं तो नामकरण जो है कई विदेशी लोग यहां पर आए, भारत पर उन्होंने शासन किया और उस आधार पर ही उन्होंने इसको कई नामों से पुकारा। जो लोग आए उन्होंने इसको एक नया नाम अपने हिसाब से उन्होंने दिया। तो उसी श्रेणी में
सबसे पहले अगर देखा जाए तो भारत में जो आने वाले थे बाहरी लोग वो थे आर्य लोग। कौन से लोग थे? आर्य लोग, ये सबसे पहले भारत में आए। और ये लोग जब भारत में आए तो इन्होंने जो प्रवेश किया भारत में तो वो था हमारा उत्तर और पश्चिम का भाग, यहां से इन्होंने भारत में प्रवेश किया। और सबसे पहले ये लोग जो आए तो जो पहले सप्त सैंधव के नाम से प्रदेश जो जाना जाता था हमारे भारत में, कौन सा नाम? सप्त सैंधव के नाम से जिसको जाना जाता था वहां पर ये सबसे पहले आए। सप्त सैंधव का अर्थ भी हम बताते चलते हैं। सप्त सैंधव का अर्थ होता है सात नदियों का देश। तो यहां पर जब ये लोग आए तो इन्होंने क्या किया, जिसको हम आज अगर देखें वर्तमान में तो उसको हम पंजाब के नाम से जानते हैं, यही आपका सप्त सैंधव के नाम से यही क्षेत्र आपका कहलाता था पहले, पंजाब वाला क्षेत्र जो है आज। तो यहां पर जब ये लोग आए तो इन्होंने इसका जो नाम था, सबसे पहले इन्होंने जो इसको नाम दिया तो इन्होंने इसको ब्रह्मऋषि नाम दिया था। सबसे पहले कौन सा नाम दिया था? ब्रह्मऋषि नाम दिया था इन्होंने इसको। इसके बाद फिर जब ये लोग और आगे बढ़े पूरब की ओर और थोड़ा आगे बढ़े, तब इन्होंने थोड़ा जब और अपना कब्जा यहां पर जमाया तो उसके बाद इन्होंने इसको आर्यावर्त नाम दिया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आर्य लोग जो थे तो इन्होंने दो नामों से इसको पुकारा, एक आपका था ब्रह्मऋषि और दूसरा था आर्यावर्त। ठीक है, तो ये आर्यों के द्वारा इसका नामकरण किया गया। अब दूसरे पे चलते हैं। अब यहां पर आता है कि पुराणों के अनुसार जो पुराण हमारे लिखे गए तो उन पुराणों के अनुसार इसका नामकरण क्या किया गया। तो पुराणों के अनुसार जो नामकरण किया गया तो उसमें दो पुराणों का नाम आता है आपका, और वो दो पुराण है आपका मार्कंडेय पुराण और दूसरा है आपका वायु पुराण। कौन से हैं? मार्कंडेय पुराण और दूसरा है आपका वायु पुराण। तो ये दो पुराण जो हैं, तो इनके नाम पर जो है इनके आधार पर जो इसका नामकरण किया गया तो उसको भी हम देखेंगे। तो मार्कंडेय पुराण में और वायु पुराण के अनुसार मन की वंशावली में ऋषभ के पुत्र के नाम से इनमें ये बताया गया कि जो हमारे मन थे तो मन के वंशज जो थे तो उन्हीं वंशजों में से एक ऋषभ देव थे, तो ऋषभ के पुत्र का नाम था भरत। तो ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं के नाम से इसका नाम भारत पड़ा था। लेकिन दूसरे कुछ लोग हैं, कुछ विद्वान जो हैं, वो क्या कहते हैं, उनका ये मानना है कि भाई जो भरत थे जिनके नाम पर इस देश का नाम पड़ा तो वो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे, ऐसा कहा जाता है। तो दो इसमें आ रही हैं चीजें, एक तो इसमें जो मन थे तो मन के वंशज जो ऋषभ थे कहा जाता है कि उनके पुत्र के नाम पर, क्योंकि उनके पुत्र का नाम भरत था तो उनके आधार पर जो है इस देश का नाम भारत पड़ा था। और दूसरा जो पुराणों के अनुसार कहा जाता है, दूसरी जो मान्यता है, तो उसके अनुसार ये कहा जाता है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला इनका जो पुत्र था उसका नाम भरत था, तो उस भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा था। तो ये अलग अलग जो है इसमें मान्यताएं इसमें बताई गई हैं राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के नाम पर जो है इसमें बताया गया कि भाई ये जो है इनके आधार पर इनका नामकरण किया गया। इसके बाद जो है आगे फिर बढ़ते हैं, तो ये तो हो गया नामकरण।
किसके अनुसार? मार्कंडेय पुराण और वायु पुराण के अनुसार ये हो गया आपका नामकरण। इसके बाद फिर आगे क्या है कि पारसी लोग जब यहाँ पर आए, कौन से लोग आए? पारसी लोग आए। तो पारसी लोगों ने क्या किया? पारसी लोगों ने उनका जो उच्चारण था तो वो थोड़ा अपने शब्दों से अलग था। तो उन्होंने वो मतलब उच्चारण में क्या करते थे, वे उच्चारण में स का उच्चारण ह के रूप में करते थे। अर्थात हम लोग जो सा कहते हैं दंती सा, तो उसको वो लोग ह कहते थे। तो अब उस अनुसार जो है उन्होंने सिंधु की जगह पर इन्होंने इसको नाम कहना शुरू कर दिया हिंदू, ठीक है। सिंधु की जगह पर इन्होंने इसको हिंदू कहना शुरू कर दिया। भाई जैसे सिंधु, ठीक, और इसकी जगह पर सा की जगह पर हा उन्होंने कहना शुरू कर दिया, हिंदू को कहने लगे इसको, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका नाम हिंदू कहा जाने लगा। और फिर यही जो है आगे चल करके हिंदुस्तान के नाम से जाना जाने लगा। इसी का जो परिवर्तित नाम था वो था आपका हिंदुस्तान। हिंदुस्तान ये हो गए, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया? पारसी लोगों के द्वारा। पारसी धर्म के संस्थापक जानते हो बेटा कौन से थे? पारसी धर्म के संस्थापक थे जरथुष्ट, इन्होंने पारसी धर्म की स्थापना की थी, ठीक है। तो इनके आधार पर जो है कहा जाने लगा। और फिर यूनानी लोग जब यहां पर आए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंधु को इंडस कहना शुरू कर दिया। सिंधु को क्या कहना शुरू कर दिया इन्होंने? इंडस कहना शुरू कर दिया। कौन से लोग? यूनानी लोग जब यहां पर आए तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फिर जो ये सिंधु था तो इस देश को इन्होंने इंडस कहते थे ये लोग, और इस देश को उन्होंने फिर बाद में इंडिया कहा। और इंडिया हम सभी जानते हैं कि आज अगर विश्व में हमारे देश को जाना जाता है तो वो इंडिया के नाम से ही जाना जाता है। हम लोग तो भारत कहते हैं इसको, लेकिन विदेशों में इसको इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहां कह सकते हैं कि अंग्रेजी में जो हमारे देश का नाम है वो इंडिया है, और हिंदी में हम कह सकते हैं इसको भारत, अर्थात हम लोग जो है भारत कहते हैं, और बाहर के मुल्कों में या देशों में जो है इसको इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया आपका, और यही जो है हमारे संविधान में भी इसको इंडिया के नाम से ही जाना जाता है। इसके बाद फिर और जो है लोग जो जो यहाँ पर आते गए तो उन्होंने यहाँ पर शासन किया, और इस तरह से उन लोगों ने इसको अपने नामकरण दिए। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत जो है तो इसको हम भारत के नाम से जानते हैं, और इस समय इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये था इसका इतिहास कि आखिर भारत को किन किन नामों से जाना गया और कौन कौन से लोग जो थे उन्होंने इसको इस नाम की संज्ञा दी। तो ये चीज जो है यहाँ हमने आपको बताई है।